नमस्कार, स्प्रिट न्यूज़ के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत। आज मैं आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ तहसील में गंद टॉप के पास पंचायत रसरी गदेरन लेके आया हूँ। यहाँ तकरीबन 15 दिन पहले एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई है और करीबन करीबन 20 से 25 या 26 घर बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। दो चार स्ट्रक्चर अभी थोड़े खड़े हैं लेकिन वो भी बिल्कुल जाने के कगार में हैं। और जो सिविल इंजीनियर आरएनबी के कुछ आए थे यहाँ पे, उन्होंने उसको अनसेफ घोषित कर दिया है। स्लाइड का कारण, क्योंकि मैं खुद भी एक जियोलॉजिस्ट हूँ, जो मैंने एक विजुअली यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है, वो ये लगता है और यहाँ लोकल आदमियों से बातचीत करके पता चला है कि जो आप टॉप में देख रहे हैं एक वाटर टैंक है वहाँ पे, और इसके नीचे जो तबाह ये पिंक पिंक देख रहे हैं ये फिल्ट्रेशन प्लांट था। वहाँ से एक पाइप जो है वो ये फिल्ट्रेशन प्लांट को आती थी कोई 2.5 इंच की डाया की, और वो पाइप जो है वो काफ़ी दिनों से लीक थी। तो वही पानी जो पहाड़ के अंदर ट्रेंच हो रहा था, और जब ये काफ़ी देर इसकी ट्रेंचिंग हो गई और बरसात में जब ये 2-3 दिन बरसात काफ़ी हैवी हुई, वो स्लाइड जो है वो हो गया है। इसी तरह की स्लाइड हमने सदर गांव में भी देखी थी, जो पूरा का पूरा पहाड़ी तबाह होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी काफ़ी घर जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। और ऐसा ही केस मैंने पुंछ के सुरनकोट गांव के पास जो मॉडल स्कूल है, जवाहरा नवोदय विद्यालय स्कूल है, उसमें भी ऐसा केस देखा था। और इसका प्योर जो कारण था वो पानी ही था, पानी की प्रॉपर ड्रेनेज नहीं थी। यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है विजुअली कि पानी की प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के कारण जो भी पानी लीक हो रहा था वो अंदर ही रच रहा था, और जब भारी बारिश हुई तो उसके कारण ये जो है वो स्लाइड होगी। और ये तो स्वाभाविक है क्योंकि क्ले मिट्टी है, जो ये क्ले जो है पानी को ज़्यादा सोखती है, और जब वो पानी का निकास प्रॉपर नहीं हो तो एक स्लाइड होने का काफ़ी उसमें ख़तरा होता है। लेकिन अभी जो मेन मकसद हमारा है वो ये है कि तकरीबन 26 फैमिली इसमें अफेक्ट हुई हैं, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि अभी तक यहां जो है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। एडीसी साहब का एक टूर लगा था तो वो आश्वासन दे के चले गए हैं, उन्होंने भी ऑन द स्पॉट कोई रिलीफ नहीं दिया है। सुनने में आया है कि कोई शायद बसंतगढ़ में कोई रिलीफ आया हुआ है, पर अब तक कोई इनको जो है ऑन द स्पॉट जो है वो कोई किसी भी फैमिली को, इसमें से काफ़ी जो हैं वो गरीब फैमिलियाँ हैं, उनका कोई भी जो है इनकम नहीं है। और जो आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गरीब जो फैमिली बड़ी मुश्किल से उनको एक जो घर बना होता है वो भी अगर ना रहें, यहाँ अभी इतनी ठंड है कि जो रात यहाँ काटनी बगैर घर के कितनी मुश्किल हो सकती है इसमें। हालांकि कुछ संस्थाएं जो हैं वो आगे आई हैं, उन्होंने अपने तौर पे रिलीफ दिया हुआ है। आज भी मैं रामनगर टूरिज्म डेवलपमेंट जो एक सोसाइटी है उनकी तरफ से आया था, उनके साथ आया हूं, और उन्होंने भी थोड़ा रिलीफ इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ना ही यहाँ कोई टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम भेजी गई है जियोलॉजिस्ट की, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनकी एक टीम जानी चाहिए और देखना चाहिए कि इस साइट को जो है वो इसका कुछ मिटिगेट कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज का इंतजाम कर सकते हैं, या जो साइट पूरी तरह अनसेफ है तो जो यहाँ फैमिली अफेक्टेड हुई है उनको अल्टरनेट लैंड अलॉट कर सकते हैं ताकि वो अपने घर बना सके, अपना रोज़गार अपने दिनचर्या जो है वो फिर से शुरू कर सके। लेकिन तकरीबन 20 दिन होने को आए हैं 20, और अभी आप अंदाज़ा लगाइए ठंडी का समय आ रहा है इस पहाड़ी इलाके में, तो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ आते हैं दौरा लगाते हैं, एक ऑफिशियल आए हैं और अभी तक कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान जो है वो सामने नहीं आया है। मैं बात करूंगा कुछ लोकल लोगों से भी। कुलबीर सिंह जी, हाँ जी, आप बताइए कि आपको कोई यहाँ जब से स्लाइड हुई, आपका क्या, आपका पूरा घर जो है यहाँ से चला गया? हाँ, स्लाइड में हाँ, चला अच्छा, गया। तो तकरीबन कितने घर गए हुए हैं? 20-25। अच्छा, 20-25 के करीब। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिली, कोई कुछ आपको? नहीं मिली अभी तक, कुछ भी नहीं आया। कोई आया आपको, कोई कैश किसी ने दिया, कोई राशन दिया, कोई कंबल दिए, कोई रजाई दी, कोई ऐसे कुछ? नहीं 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 मिले, एनजीओ ने दिए। अच्छा, कुछ प्राइवेट लोगों ने आए पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, मेरा नाम सृष्टा देवी। हाँ जी, दसो कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई थे तो नो रिलीफ मिली, कोई आया कोई पैसे का इंतजाम या कुछ राशन
कंबल पानी की तरफ दा किश नहीं मिलया असें कोई नहीं आया इथे इयां देते लोका इयां मतलब जे के आए मदद कीती है अच्छा मतलब गवर्नमेंट तरफ कुछ नहीं किश भी नहीं दिता अच्छा कोई किसी ने उन्हें कोई पैसे भी नहीं मिले तो ना नहीं पैसे पूसे किश नहीं मिले असें ते तोड़े किन्ने मतलब बच्चे ने मेरे दो बच्चे ने सर सारी मकान भी मेरा इलाज चली गया जमीन भी सारी इलाज चली दो बच्चे ने मेरे पंचायत घर च रह करने असें यहां बड़ी मुश्किल करने गुजारा करने अच्छा तोड़े हस्बैंड भी नहीं है ने इथे मेरे भी नहीं मारू रे अच्छा ते तोड़ी इनकम कोई नहीं है और सारी के इनकम ने जे की थी थोड़ी दी जगह वो भी किरी करी गई वो भी चली गई थे वो भी चली गई है इस भी नहीं सारा मकान ते कोई रिलीफ सरकार तरफ पैसे दे कोई ऑन द स्पॉट मदद कोई नहीं मिली असें जनाब कोई पैसे पूसे नहीं मिले असें देखिए कितनी अफसोस की बात है कि एक विडो लेडी हैं इनका बस थोड़ी सी ज़मीन थी और उसी वही एक सहारा था जो वो भी जा चुका है स्लाइड में सब इनका घर चला गया है और लेकिन कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल आया नहीं यहाँ देखने के लिए कि कोई और सिर्फ ये इनकी स्थिति नहीं है यहाँ जितने लोग हैं तकरीबन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कुछ इनमें से जो हैं वो चार पाँच मुलाजिम हैं लेकिन घर किसी का अगर चला जाए तो वो कहाँ अपनी रात गुजारेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेम्प्रेरी शेल्टर देना या कोई टेम्प्रेरी प्री फैब्रिकेटेड शेड्स बना देना ताकि जब तक ये पूरी चीज़ सॉल्व ना हो उनको राशन प्रोवाइड करना इस तरह से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं अगर कन्विक्शन हो अगर ये सोच हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई चीज़ जो है मेरे को ग्राउंड ज़ीरो में मिल नहीं रही है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हम अपील करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ आए ये बहुत रिमोट एरिया है रामनगर से 2 घंटे लगते हैं हालांकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है पर रोड कंडीशन अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं है यहाँ आए देखें लोगों की हालत देखें कि कैसे हो रहे हैं ये आप ही के सहारे बैठे हुए हैं जब तक गवर्नमेंट की कोई रिलीफ नहीं होगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो ऐसे एनजीओ से कितनी देर चलेगा मैं कुछ और लोगों से बातें करूँगा हाँ जी थोड़ा ना के मेरा केवल कृष्ण सर केवल कृष्ण थोड़ा भी मकान चलिए था सर मकान है मेरा अनसेफ है अच्छा उन्हें अनसेफ डिक्लेयर किया था जी सर ठीक है बच्चा का जमीन ना जेड़ी है कितनी जमीन ही थोड़ी थे सर कोई 15-20 कनाली 15-20 कनाली हाँ जी सर अच्छा सारी रूढ़ी सारी थोड़ी बची होनी मकान तक अच्छा फसल तुसे लाई दी लाई दी सर अच्छा मक्का लगी मक्का मक्का राजमा मक्का अच्छा सारी चली गई चली सर ते तुस खेती करदे हे या कुछ और भी काम सर खेती खेती हां कन्ने पेड़ा जिम्मेदारी करदे पेड़ा रखी अच्छा पेड़ा रखी दिया नहीं डंगर रखे हुन को है रखने हुन डंगर रखने वास्ते भी कोई जगह नहीं जनाब हुन एक दो देवड़े आईया लोके हां जी हां इया फ्री च कोथे पालने अच्छा कोई मतलब है नहीं है कोई ते कोई आया गवर्नमेंट तरफ तो कोई नहीं आया सर जी कोई नहीं आया बसंतगढ़ तहसीलदार तो कोई आए चेयरमैन और लांदे रे सर चक्कर अच्छा हां वो आंदे रे ते और इत कोई नहीं तो कोई पैसे दी मदद कीती उन्हें कोई नहीं कीती सर जी मदद कुछ नहीं नहीं सिर्फ दिखया इथे साइट ऊपर ते चलदे बने हां जी सर तो सब को देखया दे सर किन्ने 25-26 टोल रहंदे इथे कई दे बिल्कुल मकान साफ होई दे कोई किसे दे मकान च रहवे दे कोई किसे दे मकान च रहवे साडे मकान ते हन वो भी सर खतरे च देखिए ये एक बहुत ही पूरा एरिया हम देख सकते हैं ऊपर से स्लाइड दे सकते हैं कि कहाँ से हुई है अनसेफ है नीचे मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को ज़रा नीचे भी दिखाएं कि ये जितने जो यहाँ पे घर ज़मीन काफ़ी चली गई है और खड़ी फसल चली गई है अभी भी आप बीच में थोड़ी जो है मक्के देख सकते हैं ये काफ़ी मतलब अनफॉर्चुनेट है होपफुली सरकार यहाँ पे इस बारे में सुनेगी और कुछ करेगी हम बात करेंगे एक और जो यहाँ लोकल निवासी हैं यहाँ के रहने वाले हैं और प्रोफेशन से प्रिंसिपल हैं जनाब जगन्नाथ जी से नमस्कार सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ गंगटॉप में आए मुसीबत ज़्यादा लोगों के साथ हाल चाल पूछ रहे हैं तो मैं जगन्नाथ प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रसली की देरन मेरा 3 मंजिला मकान था जनाब और अनफॉर्चुनेटली 5 सितंबर को वो ढह गया है मेरे साथ ही एक यहाँ आप देख रहे हैं एक तीर्थराम जी का मकान था बहुत ही सुंदर मकान था उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है मेरी हुई है और तकरीबन इस इलाके में 280 कनाल का रकबा स्लाइड हो चुका है जिसमें 26 लोगों के घर मुतासर हुए हैं 8-10 तो ऑन स्पॉट उसी दिन और रात को हो गए थे बाकी अभी गिर रहे हैं रोज़ाना जगह खिसक रही है हमारे यहाँ SDM साहब आए थे तहसीलदार साहब आए थे उन्होंने फाइलें बनाई हैं लेकिन अभी तक किसी गरीब को मुआवजा नहीं मिला हुआ है अब मौसम सर्दी का आने वाला है
मकान लोगों के नहीं हैं, किसी के रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं, कोई टेंट में भी नहीं मुहैया हुआ है, और कुछ लोग यहाँ स्कूल में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग पंचायत घरों में हैं, और कुछ अपने रिश्तेदारों के घर पना ली है। तो अभी तक कोई टेक्निकल टीम भी नहीं आई है यहाँ इंस्पेक्ट करने के लिए कि स्लाइड क्या हुई है, इसका कोई हम इसको ठीक कर सकते हैं या क्या कारण हुए हैं स्लाइड के, ऐसे इंस्पेक्ट करने के लिए? दरअसल आज तक तो कोई ऐसी टीम नहीं आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या आशी हो, वो आए, जहाँ हम वेलकम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, जेएनके गवर्नमेंट का, खासकर एलजी साहब का, कि वो ऐसी टीम को कॉन्स्टिट्यूट करके फौरन इस इलाके में भेजें, ताकि और कितनी जगह जा रही है बाकी लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाना है, और जितना लैंड का ये मुआवजा बनता है, गरीब जनता यहाँ माल मवेशी चराते हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए इतनी ही, और जल्दी से फैसला हो, लोगों के मकान जल्दी बने, और जिन लोगों के अच्छे बाग थे, बाग बहुत सुंदर थे, लाखों करोड़ों का लाश हुआ है, करोड़ों रुपये का लाश हुआ है, प्रॉपर्टी का हुआ है, ज़मीन का हुआ है, मकान का हुआ है, बागों का हुआ है, फसल का हुआ है, इसका फौरन मुआवजा मिले, और ऐसी ही लैंड सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह मिले, और जल्दी इंसाफ हो, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे जगन्नाथ जी, जिन्होंने बड़ा विस्तार से बताया कि सिर्फ ना सिर्फ घर जो है और या खेती गई है, लोगों ने बाग भी बनाए हुए थे, और काफ़ी बाग का भी नुकसान हुआ है। मैं अर्ज़ करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि पहले तो स्लाइड के कारण के बारे में बताएं, और यहाँ पूरे जाके मुआवजा दें, इनको टेम्परेरी शेल्टर दें, ताकि ये जो सिचुएशन जो दिन ब दिन मिजरेबल हो रही है, इसको संभाली जा सके। गंध टॉप में मैं नितिन वैद, स्प्रिंट न्यूज़, धन्यवाद।